हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केमचो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त सुनील यशपाल और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं खड़ा हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल पास, और एक का मेरा जो कह सकते हैं एक का दूसरा घर जो मेरा एक का फेवरेट जो रेस्टोरेंट है बिल्कुल उसके बाहर। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये है पंजाबी तड़का। यार मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि जो थाईलैंड में जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत महंगा है, वो लाइक कितने कितने पैसे में हम कितना खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज कुछ नया किया जाए। तो आज अपने चलते हैं पत्या की गलियों में और अपने लेके जाएंगे सिर्फ $4 लगभग 120 बात होते हैं, लेकिन आजकल जो डॉलर का रेट है थोड़ा ज़्यादा है तो लगभग 132 बात होते हैं $4। तो आज मैं घर से लेके निकला हूँ सिर्फ 132 बात लगभग $4, और मैं आपको दिखाता हूँ कि $4 में 132 बात में आप पत्या के अंदर जो स्ट्रीट फूड है वहाँ पर आप कितना फूड बाय कर सकते हैं अपने लिए और क्या क्या खा सकते हैं 132 बात के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग होने वाला है, तो बने रहिएगा लास्ट तक और अपने चलते हैं पते की स्ट्रीट फूड मार्केट में और देखते हैं कि अपने 132 बात में कितना खाना बाय कर सकते हैं। राइट, तो ये आप देख सकते हैं मैंने 132 बात चेंज जो था वो अपने पास में ले लिया। ये एक 100 बात का नोट है, ये 20 है, ये 5-5 के दो सिक्के हैं 130, और ये दो एक एक के सिक्के हैं, तो टोटल हो गया 132 बात लगभग $4। तो चलिए अपने चलते हैं $4 लेके पत्या की मार्केट में। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ साउथ पत्या रोड, अगर आप देख रहे हैं साउथ पत्या रोड है, इसी रोड पर एक स्ट्रीट फूड मार्केट आप लोग बोल सकते हैं। शाम को यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्केट लगता है जहाँ पर लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीदने आते हैं। तो मैंने सोचा चलिए पहले इसी मार्केट में ट्राई करते हैं कि अपने इस मार्केट में क्या क्या बाय कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ स्ट्रीट फूड है, तो ये थाई स्ट्रीट फूड है यहाँ पर, और ये बॉयल एग्स हैं, ये कुछ सैलड है आपके पास में अगर आप देखे तो एक अच्छा खासा सैलड है यहाँ पर, तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पर सैलड का। लेकिन ये जो सैलड है इन्होंने बोला कि ये 50 बात का एक है, 50 बात का सैलड है, तो अपने फ़िलहाल ये बाय नहीं करेंगे क्योंकि जो अपना बजट है वो है 132 बात। तो अगर अपने 50 बात का सैलड बाय कर लेंगे तो आई थिंक अपने ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये भी आप देख रहे हैं फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स तो ऑलवेज एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास में थाईलैंड के अंदर। और यहाँ पर ये जो ड्रिंक्स हैं यार, ये बहुत ही टेस्टी ड्रिंक्स होते हैं, आपने बहुत जगह ये स्टॉल्स देखे होंगे। और यहाँ पर आपको एक यहाँ का थाई टी मिलता है, अगर आप वो थाई टी पियेंगे तो यार ये 10 बात का टी मिलता है, बट वेरी वेरी टेस्टी टी, और आप लोग कॉफ़ी भी बनवा सकते हैं इनके पास यहाँ पर, और 10 से 20 बात में आप अपनी मर्ज़ी से एक बहुत अच्छी कॉफ़ी यहाँ पर तैयार करवा सकते हैं। और इसी ड्रिंक के स्टॉल के सामने मुझे दिख गई है पहली चीज़ जो अपने आज बाय करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो इट्स काइंड ऑफ डोनट्स, तो यहाँ पर है डोनट्स, और ये है सिर्फ 15 बात का और 10 बात का, दिस चॉकलेट का, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दिस स्मॉल, ओके यू गिव मी दिस वन कप चॉकलेट का, वन कप पेज का। तो आज का जो अपना पहला स्ट्रीट फूड है वो है ये डोनट, अगर आप देख रहे हैं इट्स ओनली 15 बात, और एक बहुत ही बड़ा साइज़ है इसका। तो ये हो गया अपना डोनट पैक, तो यार मैंने दिया उनको 20 बात और ये 5 बात मैंने वापस ले लिए हैं उनसे, राइट। तो अपना जो आज के बजट में से 15 बात माइनस हो गया। तो आज का जो अपना स्ट्रीट फूड का जो शॉपिंग है 132 बात में $4 में, उसमें सबसे पहली जो मैंने चीज़ खरीदी है वो खरीदा ये डोनट, और ये मिला है मेरे को सिर्फ 15 बात का। तो अपने पास अभी बचे हैं 170 बात, 117 बात, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, और डोनट्स के बिल्कुल पास में मुझे दिख गई यहाँ पर रोटी, अगर आप देख रहे हैं तो एक बहुत ही फेवरेट डिश है यहाँ पर थाईलैंड में। तो जो लोग मेरे भाई जो सिर्फ वेज खाना पसंद करते हैं तो वो लोग ये रोटी भी खा सकते हैं, और तो मैंने एक रोटी ऑर्डर कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये रोटी यहाँ पर बन रहा है। तो मेरे को सिर्फ इसके ऊपर जो ये स्वीट सॉसेस डालते हैं और बटर है सिर्फ मुझे वही चाहिए। तो ये एक प्लेन रोटी है, और ये प्लेन रोटी का मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पर 15 बात में, 15 बात में एक रोटी ले रहे हैं अपने यहाँ पर। ये रोटी अपनी बन के तैयार है, और इसके ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो ये स्वीट द काइंड ऑफ मिल्क मेड होता है, एक वो डलवाया मैंने इसके ऊपर। तो रोटी का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर थाईलैंड की स्ट्रीट में, अगर आप लोग खाना चाहें। ओके नकअप हैव दिस नकअप हैव नैप नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो ये अपने ली है अपनी रोटी, और इनको दे देते हैं पैसे अपने खाप।
तो ये है 85 बात था जो मैंने इनसे वापस ले लिया है, तो अपना जो स्पेंड हो गया वो हो गया है 30 बात, राइट। तो अब अपने पास बचते हैं टोटल 102 बात। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी मार्केट में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्योर एक वेजिटेरियन फूड है आपके पास, इट्स टोटल वेज। तो ये जो बनता है ये बनता है लगभग चावल के आटे का कप, दिस वेज ना कप, वेज ना, हाउ मच फॉर वन कप, हाउ मच, 5 बात ना, ओके ना कप, गिव मी जस्ट ओनली वन ना। तो अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इनसे पूछा तो ये जो है ये सिर्फ 5 बात का एक है, 5 बात ओनली, ओनली वन ना कप, या लिटिल ना कप। और इसमें भी ये अगर आप देखें तो इसके अंदर ये मिल्क जो होता है ये डाल के देंगे इसके अंदर, तो एक बहुत ही टेस्टी सी चीज़ है। तो ये 5 बात अपने और स्पेंड कर लेते हैं, राइट। कप हैव दिस नो प्रॉब्लम, आई पुट इन दिस, तो ये अपने अपने बैग में डलवा लिया है इनसे। और 5 बात का और मैं इनको दे देता हूँ 5 बात, कप कप ना कप। तो अपना जो टोटल शॉपिंग हो गया वो हो गया अभी 35 बात का, 35 बात का, और अपने पास बचे अभी 97 बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यार मार्केट के अंदर चलते चलते मेरे को दिख गई ये आइसक्रीम, अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम होता है ये। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ कोकोनट्स दिखेंगे, नारियल, और इसको वैसे जो ये लोग सर्व करते हैं ये जो कोकोनट होता है इसके अंदर भी सर्व करते हैं ये लोग। और इस अगर आप देख रहे हैं आधे आधे कटे हुए पड़े हैं, तो इसके अंदर का जो मलाई है इसको मिक्स कर देते हैं आइसक्रीम के अंदर। लेकिन फ़िलहाल अपने जो आइसक्रीम ली है वो ली है ये सॉफ्टी, और सिर्फ 10 बात की ये आइसक्रीम है अगर आप देख रहे हैं। तो इसके लिए अपने पे करेंगे सिर्फ 10 बात, तो अपने 10 बात इनको दे देते हैं आइसक्रीम के कप। और अगर आप देख रहे हैं तो ये एक आइसक्रीम बना रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया कोकोनट को, अगर आप देखें कोकोनट के अंदर ही इसको सर्व करेंगे। तो ये जो आइसक्रीम है जो ये कोकोनट के अंदर बनता है ये बनता है 40 बात का, लगभग 40 बात का। लेकिन अपने आज चलेंगे अपने बजट के हिसाब से, तो मैंने जो बाय किया है वो बाय किया है ये 10 बात का सॉफ्टी। तो पहले मैं खाता हूँ ये आइसक्रीम और फिर अपने बढ़ते हैं आगे, राइट। तो अभी तक आपने जो पैसा स्पेंड कर दिया है वो कर दिया टोटल आई थिंक 45 बात, 15 बात का अपने डोनेट लिया, 15 बात की रोटी, और 5 बात का अपने वो जो एक थाई फूड था जो एक काइंड ऑफ जो चावल के आटे का बनता है, काइंड ऑफ एक बड़ा सा पकौड़ा आप बोल सकते हैं, और 10 बात की अपने लिए ये आइसक्रीम। तो टोटल अपने अभी तक स्पेंड कर दिया है 45 बात, और अपना बजट था 132 बात का। फिलहाल तो आप लोग देख सकते हैं यार कि रोड लगभग बिल्कुल खाली है, जो यहाँ पर मार्केट लगता था आसपास में स्ट्रीट फूड के शॉप लगते थे वो लगभग बंद है। लेकिन देखते हैं शायद अपने को कुछ और यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर है एक चिकन का शॉप, अगर आप ये देख रहे हैं एक अच्छा ऑप्शन है ये अपने पास में, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग चिकन खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है 10 बात, तो 10 बात में आप लोग यहाँ से चिकन के पीसेस बाय कर सकते हैं। चलिए तो चलिए इनसे अपने पूछते हैं 10 बात में अपने को यहाँ पर क्या मिल सकता है। अल्लाह नगब सिर्फ बात ला। तो मैंने इनसे पूछा यहाँ पर एक लेग पीस का, तो जो चिकन का ये लेग पीस है ये अपने को मिलेगा यहाँ पर सिर्फ 10 बात का। तो आई थिंक अपने को एक लेग पीस ले लेना चाहिए वन नगब। तो आई थिंक 10 बात में अपने को एक अच्छी चीज़ मिल गई है यहाँ पर। तो अपना फूड अपना रेडी है, अपने इनको देते हैं 10 बात और अपने बढ़ते हैं फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे। तो ये है 10 बात और मैं दे देता हूँ भैया को, थैंक यू वेरी मच नकाब। तो 10 बात में अपने को मिल गया एक चिकन का लेग पीस, राइट। तो 55 बात अपने अभी तक यहाँ पर स्पेंड कर दिए हैं, चलिए चलते हैं अपने यहाँ से और आगे। यार अलग अलग गलियाँ घूम रहा हूँ मैं मार्केट पे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो स्ट्रीट फूड शॉप है वो इस टाइम पर बंद है, क्योंकि ये जो स्ट्रीट फूड होता है ये अगर बेसिकली आप देखें तो जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है वहाँ पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी, और यहाँ पर मेरे को एक दिख गई है वैन, और इस वैन के अंदर एक बहुत ही यार आपके लिए कह सकते हैं एक फ़ायदेमंद चीज़ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वैन कौन सी है और इसमें ये लोग क्या सेल कर रहे हैं। इस अगर वैन में देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पर कोकोनट है, ये लोग यहाँ पर नारियल सेल कर रहे हैं। और अगर आप नारियल के रेट देखें तो 4 नारियल सिर्फ 50 बात के आप लोग 4 कोकोनट ले सकते हैं, और उसके अलावा 120 बात के आप लोग 10 ले सकते हैं। तो फिलहाल अपने को ये नारियल नहीं पीने का है, क्योंकि ये अपने बजट के अंदर नहीं है, क्योंकि मिनिमम ये लोग 4 नारियल देंगे और 50 बात का 4 नारियल मतलब अपना बजट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थोड़ा सा और आगे।
तो बस यही है कि पता है कि गलियां घूमते रहिए और कौन सी गली में आपको कब क्या कहाँ मिल जाएगा वो कुछ नहीं कह सकते। चलिए अपने बढ़ते हैं आगे और ढूंढते हैं कुछ और स्ट्रीट फूड। तो स्ट्रीट फूड मार्केट में चलते चलते मुझे एक यहाँ पर फूड का स्टॉल तो दिख गया और साथ में मुझे दिख गया एक और यहाँ पर यूट्यूबर, अगर आप देखें तो ये भी शायद यहाँ पर वीडियो बना रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो फूड का ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास में है, 10 पात में जो आप लोग बोलते हैं बंद, बड़े बड़े बंद है आपके पास में, और जो क्रिसेंट आप बोलते हैं वो भी आपके पास में है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल सा फूड। और फिलहाल अपने बाय करेंगे यहाँ पर एक क्रिसेंट, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये प्योरली वेज है और सिर्फ 10 पात का एक है। कप कैन हैव दिस वन कप। तो अभी तक जो अपना पैसा यूज़ हुआ है वो है 55 बात प्लस 10 बात, तो यहाँ तक अपना यूज़ हो गया है 65 बात। तो अपना खा और ये अपने ले लिया अपना 10 बात रिटर्न, राइट। अपने ढूंढ रहे थे अपना स्ट्रीट फूड और अपने को मिल गया 10 बात में एक और बहुत ब्यूटीफुल सा क्रिसेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे और ढूंढते हैं कुछ और स्ट्रीट फूड, राइट। या गना नकब गना रस। तो यार ये यहाँ पर सेल कर रहे हैं गन्ने का रस और मैं आपको दिखाता हूँ गन्ने का रस इन पते, अगर आप देखें ओनली आया ओनली आई नीड वन ओनली नकब। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो ये 3 बॉटल है यहाँ पर ये गन्ने का रस बॉटल में सेल करते हैं, तो अगर 3 बॉटल लेते हैं तो यहाँ पर होता है 50 बात और अगर 1 बॉटल लेते हैं तो होता है 20 बात। तो फिलहाल अपने एक ही बॉटल बाय करेंगे, तो अगर आप लोग भी पते में अगर गन्ने का रस पीना चाहें तो आप लोग पी सकते हैं। तो ये है 20 बात का गन्ने का रस, तो अपने लिया है एक गन्ने का रस 20 बात का और इनको देते हैं 20 बात। तो यहाँ तक अपने यूज़ कर ली है 85 बात और अपने पास में जो अब बचा है वो बचा है लगभग 47 बात। तो ये है अपना गन्ने का रस और बहुत टेस्टी है ये गन्ने का रस। तो चलिए पहले मैं गन्ने का रस इन्जॉय करता हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों का भी अपने कुछ स्ट्रीट फूड ढूंढते हैं, राइट। और चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर एक तलाट में, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये यहाँ पर एक तलाट है, एक मार्केट है स्ट्रीट फूड का। तो चलिए चलते हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं यहाँ पर कुछ फूड अपने लिए। ये है एक स्ट्रीट फूड मार्केट और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सी पेस्ट्रीज और ये है 25 बात का एक, 25 बात का, लेकिन ये शायद अपने बजट से बाहर है। तो अपने ढूंढते हैं कुछ और यहाँ पर भी है एक, तो एक अच्छा ऑप्शन अपने को मिल गया है फाइनली यहाँ पर। अगर आप देखें तो यहाँ पर है कुछ पेस्ट्रीज और ये है 20 बात की दो डिस्ना वन इस इतने का। तो ये है 20 बात का एक और ये छोटे छोटे से आप देखें तो बंद है और इसके अंदर अलग अलग फिलिंग है, स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज काइंड ऑफ जैम है इसके अंदर। तो 20 बात के अंदर एक अच्छा ऑप्शन है, तो चलिए एक ये भी ले लेते हैं और इनको देते हैं 20 बात अपना खास। तो टोटल अपने अभी तक का जो पैसा स्पेंड किया वो किया है 105 बात और अभी भी अपने पास में जो अपना बजट है 132 बात का, उसमें से 27 बात बाकी है। तो देखते हैं 27 बात में अपने को और क्या क्या मिलता है, राइट। तो यार यहाँ पर एक और फूड है मेरे पास में, ये एक बहुत ही टेस्टी वेज फूड होता है, 25 लाख ओनली वन इस इतना का। तो यार मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे 20 बात का दे दो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 25 बात, तो अभी अपने ट्राई करते हैं शायद ये 20 बात का मिल जाए, क्योंकि जिस ढंग से वो स्माइल दे रही तो शायद 20 बात का भी ये अपने को मिल जाए, क्योंकि अपना जो बजट अपने को बजट लेके चलना है। इसी पोके नकाब ओके नकाब ओके नकाब हंग्री नकाब नो वर्क ना करो कोविड नो वर्क यू नो नकाब ओनली वन नकाब ओनली वन इसी कप नकाब। तो यार फाइनली उन्होंने बोला कि वो मेरे को 20 बात में ये एक दे देंगे, तो इनको देते हैं 20 बात। तो यू गेट मोर प्रॉफिट इफ़ यू गिव मी इन 20 बात ना कपन कप। तो यार ये हो गया अपना 125 बात और ये बचे अपने पास में लास्ट के 7 बात। तो अभी तक 125 बात में अपनी जो शॉपिंग हो गई है वो एक अच्छी खासी हो गई है, तो मेरे को लगता है कि आज खाने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी रात की। तो चलिए अपना सामान उठाते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे। तो यार अपने बजट में से 125 बात मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ और अपने पास बचे लास्ट के 7 बात और 7 बात पे यहाँ मिलती है एक पानी की बोतल, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को अपने इस फूड को खाने के बाद। तो चलिए लेते हैं एक पानी की बोतल और बढ़ते हैं आगे, राइट। तो ये आ गया है 7-11 और 7-11 से अपने को मिलेगी 7 बात में एक पानी की बोतल।
यहाँ से लेते हैं एक 7 बार की पानी की बॉटल। तो ये है अपना 7 बार का बॉटल, अगर आप ये देख रहे हैं 7 बार। तो यहाँ पर होता है अपना 132 बात का बजट पूरा, जो अपने $4 थे। फाइनली मेरी जो $4 की जो फूड की शॉपिंग थी, जो स्ट्रीट फूड की, वो फिनिश हो गई। और मैं जो मैंने फूड बाय किया, मैं पूरा का पूरा फूड लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। जो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, जिनका एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है पता के अंदर, बासमती रेस्टोरेंट, आपने बहुत बड़ी नाम भी सुना होगा। तो मेरे साथ में कल्पेश भाई है। इनफैक्ट कल्पेश भाई भी इतना सारा खाना देख के मेरे को बोले कि ये पार्टी है क्या, यहाँ पर अपने पार्टी करने वाले। तो मैंने बोला नहीं, आज मेरा एक जो मेरे जो भाई है, मेरे जो दोस्त है, जो मेरे को रोज़ देखते हैं, उनके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि $4 में अपने कितना फूड बाय कर सकते हैं। तो $4 का फूड देख के वो भी थोड़ा सा हैरान हो गए कि $4 में इतना मिलता है 132 बात में। तो अभी फिलहाल मेरे साथ कल्पेश भाई यहाँ पर ही है। अपना कल्पेश भाई से बराबर ना, बहुत सारा माणस भाई एटले गुजराती भाई हो तो खबर पड़ी जाए, एटले गुजराती एटले कल्पेश देसाई बराबर। तो यार बहुत ही बढ़िया आदमी है, और उन्होंने भी यहाँ पर अभी बहुत सारी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी है। यहाँ पर बहुत ही यम्मी लस्सी बनाते हैं ये, मैंगो लस्सी और स्ट्रॉबेरी लस्सी, और उसके अलावा जो चिकन रोल है, जो चिकन टिक्का रोल है, बहुत आसम, बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो यार आप भी कभी जब यहाँ पर आओगे फ्यूचर में, तो डेफिनेटली कल्पेश भाई आपको मिलेंगे यहाँ पर। और आपने एक ब्लॉग में इनका नंबर भी शेयर किया हुआ है अबाउट जो अप्सरा इन होटल है, तो भूलना नहीं, ये वही कल्पेश भाई है, राइट। तो चलिए फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने जो फूड आज बाय किया है 132 बात में $4 में, तो आपने क्या क्या बाय किया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपने लिया है 20 बात का, इट्स अ स्मॉल बन, और पिसन लिया है 10 बात का, तो ये हो गए 30 बात। और डोनट आपने लिया था यहाँ पर 15 बात का, तो ये हो गए अपने 45 बात। और ये 5 बात का थाई फूड लिया था आपने, तो ये हो गए 50 बात। और ये आपने रोटी ली थी यहाँ पर 15 बात की, तो ये हो गए 65 बात। और 10 बात का चिकन, तो ये हो गया 75 बात। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 बात का ये बहुत ही यमी थाई फूड होता है, जो चावल के आटे का बनता है, और इसके अंदर जो कॉर्न्स होते हैं, तो ये हो गया 95 बात। और इसके अलावा जो ये पानी की बोतल देख रहे हैं ये 7 बात, तो ये हो गया 102 बात। और मैंने 20 बात का गन्ने का रस पिया, और वो हो गया 122 बात। और 10 बात की मैंने खाई थी आइसक्रीम आपके सामने, तो ये हो गया अपना 132 बात का बजट में। आप देख सकते हैं कितना फूड है, और अभी हम लोग खुद सोच रहे हैं कि यार ये ख़त्म कैसे करेंगे 2 बंदे मिलके। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि $4 132 बात में आप पत्या में कितना सारा स्ट्रीट फूड बाय कर सकते हैं। तो यार बस यही थी कुछ जानकारी जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था, कि मेरे बहुत सारे भाइयों को कहना चाहता था कि जो पत्या में स्ट्रीट फूड मिलता है हमको उसके बारे में बताइए। तो यार स्ट्रीट फूड के बारे में बताने के साथ साथ मैं चाहता था कि आपको मैं ये भी बताऊं कि आप कितने कम पैसे में कितना सारा यहाँ पर स्ट्रीट फूड बाय कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा आप पेट भर के खा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मैं खा रहा हूँ ये है रोटी, और रोटी यहाँ का एक बहुत ही फेमस, जिसे कह सकते हैं एक स्ट्रीट फूड है, और मेरे बहुत सारे इंडियन भाई इसको खाते हुए। तो आज अपने जो फूड बाय किया उसमें सिर्फ एक चिकन है जो यहाँ पर अपने पास में नॉनवेज है, जो मैंने एक 10 बात का चिकन का लेग पीस बाय किया। उसके अलावा बाकी जितना भी ये फूड है सबका सब टोटली वेज फूड है। तो आई होप जो भी जानकारी आज मैंने आपके साथ शेयर करी आपको ज़रूर पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगी हुई घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ नया आ गया है, राइट। और अगर भी आप ये सब स्ट्रीट फूड के बारे में से कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूंगा, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो इतना ही था आज के वीडियो में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डटे रहिए, भूलिएगा नहीं। मेरा नाम मैं हूं सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। See ya.